अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कुक विद नाज। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, 1 टमाटर को बारीक से चॉप कर लिया है और 1 ऑनियन मीडियम साइज़ के ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है। 350 ग्राम हमने यहाँ पर गोश्त लिया हुआ है। मसालों में हमने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 500 ग्राम हमने यहाँ पर पालक लिया हुआ है जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुकर लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और तेज़पत्ते के बाद हम फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का कलर हल्का सा पिंकिश होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से भून लें। गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें गोश्त के साथ और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम सारे स्पाइसेस जो कि हमने मेंशन किए हैं उस ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और नीचे से जले ना। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, अब इसमें हम टमाटर को ऐड कर देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से मसालों में भुन गया है, अब हम पालक को इसमें ऐड कर देंगे। पालक को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 कप हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है, अब उसे टेंडर होना है यानी अच्छे से गलना है गोश्त, इसीलिए हमने यहाँ पर पानी को ऐड किया है। कुकर का लिड लगाकर 5 से 6 सीटियाँ का वेट करें ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए और सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाए। तो 5 सीटियाँ लग गई हैं हमारे पालक गोश्त को, अब ये तैयार है। तो देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है, पालक गोश्त हमारा एकदम से रेडी है। अब इसके हम प्लेटिंग करेंगे। तो रेडी है हमारी गर्मा गर्म पालक गोश्त की मज़ेदार सब्ज़ी जो कि बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होती है। इसे आप चपाती, रोटी, फुलके के साथ खा सकते हैं जो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। मेरी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।